तो अगर इस दुनिया में आए हो तो एटलीस्ट ये देखो कि अपने अंदर क्या है जो आप में से कितने हैं जो गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये है आपका फ्यूचर। ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में, करोड़ों। ये आपका ड्रीम है, ये आपका एंड गोल है। तो क्या समझ आ रहा है इस बात से कि वहां पर पहुंचने के बाद भी ऐसा नहीं है कि लाइफ सेट हो जाती है, बहुत सारी चीजें तब भी करना बाकी रह जाती है। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये तो है, ये है ना। बिल्कुल, उस टाइम यही लगता था ना 5 साल पहले कि अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब वो हो गया तो वो तो हमारा राइट हो गया, वो तो मिल गया ना। बिल्कुल सर। लाइफ में सेंटर में रखो एक्सप्लोरेशन को, ग्रोथ को, लर्निंग को, और फिर ब्रांचेस निकालो। इसको माइंड मैपिंग बोलते हैं। एक पेपर पेन लेकर के एक्चुअल में माइंड मैप बनाओ अपनी लाइफ का, तब जाके माइंड में क्लैरिटी आएगी। मेरी बातों से नहीं आएगी, मेरी बातें तो बेहोश होकर के सुनते रहोगे और फिर सुन करके फिर से कुछ और देखने लग जाएंगे। लाइफ को कभी समझते ही नहीं है कि मेरे लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी लाइफ में सेंटर पॉइंट पे क्या है, कुछ नहीं। बस ऐसे ही चले चले जा रहे हैं। दुनिया ने बोल दिया कि हाँ तुमको ये एंट्रेंस क्रैक करना है तो करना है जी, अब ये काम करना है तो करना है जी, घर आ गए जी, खाना खाना है जी, खाना बनाने वाली भी होनी चाहिए जी, ये भी होना चाहिए जी, वो भी होना चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए जी, बच्चे भी हो गए जी, अच्छा बच्चों को क्या करवाना है, बच्चों को भी वही करवाना है जी। लाइफ है, जिए भी नहीं भी जिए तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है। तो अगर इस दुनिया में आए हो तो एटलीस्ट ये देखो कि अपने अंदर क्या है जो हिडन है। बिल्कुल जैसे कोयले के अंदर डायमंड होता है लेकिन उसको निखारना होता है,